नमस्कार, स्वागत है K24 न्यूज में। मेरे साथ देहरादून से गरिमा दसौनी जी जुड़ गई हैं, जो कांग्रेस पार्टी के तेज तरार प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता हैं, और आज इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। गरिमा जी, सबसे पहले स्वागत आपका K24 न्यूज में। बहुत बहुत बधाई कि इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त प्रदर्शन किया देश में, लेकिन उत्तराखंड में क्या हो गया? बहुत धन्यवाद। नमस्कार भाई, मैं इस वक्त AICC में हूँ, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर दिल्ली में हूँ जी। और जो जोश है, जो उत्साह है कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, वो देखते ही बन रहा है जी। देखिए, लगातार हम इस बात को कह रहे थे कि जो एग्जिट पोल हैं वो फर्जी हैं, वो फेक हैं, वो झूठे हैं, लेकिन हमारी बात को कोई सीरियसली नहीं ले रहा था। इतने बेशर्म है मीडिया, हमारे देश की गोरी मीडिया, जिसको बार बार राहुल जी कह रहे थे कि एग्जिट पोल आए हैं, एग्जैक्ट पोल आने बाकी जी। और अब आपने देखा कितना जमीन आसमान का फर्क है। देश के दिल कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में अगर हम इनकी, योगी मोदी की नाक के नीचे से आधी सीटें ले जा रहे हैं जी, तो अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि उत्तरी भारत में भाजपा अपना एकाधिकार समझती है जी। हमने कहा था नॉर्थ में हाफ, साउथ में साफ, हमारा नारा था और हमने करके दिखाया। लेकिन गरिमा जी, देख लीजिए। हाँ, गरिमा जी, उत्तराखंड में क्या हुआ? उत्तराखंड में 5-5 भाजपा ले गई। और उत्तराखंड में बहुत सारे फैक्टर्स ने हमारे अगेंस्ट काम किया जी। नंबर वन, हमारा पहले चरण में चुनाव होना जी, वो हमें नुकसान दे गया, क्योंकि हमारा मैनिफेस्टो रिलीज होते होते और मैनिफेस्टो को जनता जनार्दन तक पहुंचते पहुंचते समय लगा, और वो समय उत्तराखंड के पास था नहीं। पहले ही चरण में चुनाव होने का मतलब कि मैनिफेस्टो आप पेनिट्रेट नहीं किया हमारा, जो 5 न्याय और 25 गारंटियों की हमने बात कही जी, को पहुंचने में टाइम लगा। गरिमा जी, कैंडिडेट चुनने में भी आपने देर किया था, आपको ऐसा लगता नहीं है क्या? हमारे बड़े नेता मैदान में नहीं उतरे, उसका भी हमें नुकसान हुआ। आपको लगता नहीं कि हरिद्वार में बीरेंद्र रावत जी की जगह अगर हरीश रावत जी को मैदान में उतारा जाता या करण महाराज जी को मैदान में उतारा जाता, क्या बेहतर परिणाम आते? आपको क्या लगता है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि हमारे बड़े नेताओं के मैदान में न उतरने से नुकसान हुआ हमारे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी। अल्मोड़ा या नैनीताल कहीं से भी लड़ते तो हमें शायद फायदा मिलता उस बात का। हमें नुकसान हुआ माननीय प्रीतम सिंह जी के चुनाव न लड़ने से, हमें नुकसान हुआ माननीय हरीश रावत जी के चुनाव न लड़ने से, हमें नुकसान हुआ पहले चरण में चुनाव हो जाने से, क्योंकि देश में माहौल जो है इंडिया गठबंधन के प्रति अनुकूल दूसरे तीसरे चरण के बाद बनना शुरू हुआ और एक लहर सी दिखाई पड़ी, धमाकेदार लहर। हमें एक बात का और नुकसान हुआ कि उत्तराखंड को भाजपा और आरएसएस ने अपनी प्रयोगशाला समझ लिया। ध्रुवीकरण जितने बड़े स्तर पर उत्तराखंड में किया गया, चाहे वो UCC कह लीजिए, चाहे धर्मांतरण कानून कह लीजिए, चाहे लैंड जिहाद कह लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उत्तराखंड को नुकसान पहुंचाने का काम किया, समाज को बांटने का काम किया, भड़काने का काम किया, और ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तराखंड उन बातों में आ गया, उन झांसों में आ गया। ये तो हमेशा से राजनीतिक दल जो कुत्सित मानसिकता के होते हैं वो धर्म की आड़ लेते हैं। गरिमा जी, आज मेरे साथ करीब उत्तराखंड के 1,00,000 मेरे व्यूअर्स हैं। आज कम से कम मेरे व्यूअर्स 1,00,000 हैं और मेरे चैनल पर कम से कम, कुछ भी नहीं तो आज कम से कम 50,000 से ज्यादा मैसेज है, लेकिन वो लोग नाखुश हैं। उन लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं जीतना चाहिए, और इस जीत में, जो भारतीय जनता पार्टी की जीत से कांग्रेस की हार में, कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही है, कांग्रेस के लोगों की ही। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? आपको क्यों नहीं मैदान में उतारा जब आप प्रत्याशी बनना चाह रही थी महारानी के सामने, तो आपको क्यों नहीं उतारा? इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मेरी बहुत बधाई ले लीजिए, इतनी बड़ी व्यापक स्तर पर व्यूअरशिप आपकी बढ़ रही है, आपके श्रोता और दर्शक बढ़ रहे हैं, इस बात की बहुत खुशी है मुझे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप और प्रगति करें और मार्ग प्रशस्त करें, वो मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ जी। और मैं पूरी तरह से असहमत नहीं हूँ उत्तराखंड की जनता से, मैं पार्शली उनसे सहमत हूँ जब वो भारतीय जनता पार्टी की जीत में उदासीन दिखाई पड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं
भारतीय जनता पार्टी के शासन में लोग परेशान हुए हैं, फ्री राशन का एक लॉलीपॉप दिखाकर आप बलात्कारियों को संरक्षण देते हैं, आप युवाओं को लाठियां मारते हैं, आप किसानों के लिए कीले गाड़ने का काम करते हैं और आप अग्निवीर जैसी योजना लाते हैं जो उत्तराखंड के लिए प्रहार का और वज्रपात का काम करती है। तो ये सारी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में घाव ही घाव दिए उत्तराखंड की जनता को और देश की जनता को। लेकिन ये आप सोचने वाली बात होगी कि जो भीड़ हमारी जनसभाओं में उमड़ती है, हमारी रैलियों में, हमारे रोड शो में उमड़ती है जी, वो वोट में क्यों नहीं कन्वर्ट हो पाती, ये हमको आत्मावलोकन करना होगा। बिल्कुल, गणेश गोदियाल जी का लगभग जीतना तय माना जा रहा था और मेरे दर्शक भी अभी लास्ट मोमेंट तक अभी भी मेरे साथ जुड़े हैं तो वो यही कह रहे हैं कि गणेश गोदियाल जी का हारना हमारे गले से नहीं उतर पा रहा है और हम लोग की हार है, ये गोदियाल जी की हार नहीं है, ये उत्तराखंडियत की हार है। और कहीं ना कहीं एक बाहरी आदमी, एक पैराशूट कैंडिडेट, एक ऐसा व्यक्ति जिसने पिछले 23 साल के उत्तराखंड में, कभी उत्तराखंड में एक साल पूरा नहीं बिताया, वो आकल अगर जीत कर चला जाए तो ये उत्तराखंड के मुंह पर तमाचे जैसा लगता है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो व्यक्ति मीडिया प्रभारी है भारतीय जनता पार्टी का, और सारे गुण सीखे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के अपने शीर्ष नेतृत्व से, उसने साम दाम दंड भेद और कैसे जेन केन प्रकारेन जीत सुनिश्चित की जाती है, सारे हथकंड तो उनको आते हैं। बीरेंद्र रावत जी ने जो है जो अपने कद से कई बेहतर प्रदर्शन किया है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं शुभकामनाएं देती हूँ, मुझे लगता है कि एक बड़ा सबक है और जो भी गलतियाँ इस चुनाव में हुई होंगी कांग्रेस पार्टी से या हमारे प्रत्याशियों से, उसको हम सुधार की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त जो बेहतर प्रदर्शन रहा है इंडिया गठबंधन का, उससे मन प्रफुल्लित है। ईवीएम पर क्या कहना चाहेंगी गरिमा जी, क्योंकि लगातार ईवीएम पर सवाल उठते हैं और ईवीएम को बदनाम किया जाता है, कि क्या इस बार ईवीएम में सही काम किया? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ईवीएम जो है उसके बारे में इतना कुछ लिखा जा चुका था सोशल मीडिया पर और इतने सवाल खड़े हो चुके थे और इतने लोगों की पैनी निगाहें उस पर थी कि मुझे लगता नहीं। लेकिन हाँ, कल भूपेश बघेल जी के एक ट्वीट ने मुझे विचलित जरूर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र में, और उन्होंने क्षेत्र का नाम बताया, उन्होंने स्क्रीनशॉट भी डाले हैं कि ईवीएम मशीन्स का नंबर दिया जाता है कैंडिडेट को जी। और वो नंबर मेरे वहाँ काफी बड़ी संख्या में चेंज है, मेरे ईवीएम मशीन के नंबर बदली किए जा चुके हैं और उन्होंने साक्ष्य और सबूत भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने रखे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि अगर धांधली हुई है तो किस पैमाने पर हुई जी। बिल्कुल, ये तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठता है। देश में प्रधानमंत्री किसको देखना चाह रही हैं गरिमा जी आप? मैं राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहती हूँ। क्या विकल्प बन रहे हैं राहुल गांधी? नहीं, बिल्कुल संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, हमने सेंचुरी लगा दी है। और आपको याद होगा यूपीए 1 और यूपीए 2 में हम 120, 130, 140 तक रहे और हमने सरकार बनाई, तो अगर हम पहुंच गए 120, 130 के आंकड़े पर तो हमारे सहयोगी दल, और जिन्होंने हमें सहयोग नहीं भी किया वो भी मोदी को छोड़ के इधर आ जाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। और मोदी तो काल की तरह साबित हुए हैं अपने घटक दलों के साथ, शिवसेना का क्या हाल किया आप देखिए, जेडीयू का क्या हाल किया आप देखिए, अकाली दल का क्या हाल किया आप देखिए। तो जहाँ जहाँ मोदी को सहयोग किया है उनके सहयोगी दलों ने, वहाँ वहाँ उन्होंने कुठाराघात किया है अपने सहयोगी दलों के साथ। जी, गरिमा जी, गरिमा जी, इसका आश्चर्य नहीं होगा जी। जी, गरिमा जी हमारे साथ आ जाए। गरिमा जी, क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? हाँ, मुझे लगता है नीतीश कुमार जी हमारे साथ आएंगे, ममता बनर्जी हमारे साथ आएंगी, नवीन पटनायक हमारे साथ आएंगे, हमारे साथ तमाम लोग, चंद्रबाबू नायडू भी आ सकते हैं, कोई इनकार नहीं किया जा सकता। राजनीति में किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं होते जी। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी का तो ये कहना है कि अगर इंडिया गठबंधन को लीड मिली तो देश में कई प्रधानमंत्री होंगे और हर महीना प्रधानमंत्री बदले जाएंगे, उनका ये कहना है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो हमारा चेहरा जानना चाहते थे, हमारा चेहरा है वो पांच न्याय जो हमने अपने मैनिफेस्टो में कहे हैं, हमारा चेहरा है वो मजदूर जो मनरेगा की मजदूरी के लिए बिलख रहा है, हमारा चेहरा है वो तमाम
अनुसूचित जाति, अभी यूपीए 1 यूपीए 2 में कितने प्रधानमंत्री बदले हमने, वो भी तो हमने गठबंधन की सरकार चलाई दोनों बार, तो हमने प्रधानमंत्री नहीं बदले। ये तो झूठ की दुकान है भारतीय जनता पार्टी। और मैं आपको बता रही हूँ, जितने लोग आज सहयोग कर रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी का, वो डर के मारे कर रहे हैं, वो भय में कर रहे हैं। उनको मौका मिले तो वो एक घंटा न लगाए इनको छोड़ने में। तो अगर इंडिया गठबंधन की, इंडिया ब्लॉक की सरकार बनते हुए देखेंगे तो सारे के सारे सर पर तोड़ लगाएंगे सर, आप देखिएगा। क्योंकि सबको ऐसा चेतवा दबा रखा है, सबको ऐसा डर और भय दिखा रखा है कि कोई अपनी फाइलों के डर से इनके संग जुड़ा है, कोई अपने कुकर्मों की वजह से इनके संग जुड़ा है, तो कोई अपने परिवार की चिंता करके, अपने बिजनेस की चिंता करके इनके संग जुड़ा है। तो ये तो तानाशाह लोग हैं, ये तो उसके हद तक गिर सकते हैं, ये आपकी और मेरी सोच और समझ वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकती। जी बिल्कुल गरिमा जी, एक लास्ट सवाल मैं पूछूंगा कि जैसे कि चुनाव खत्म होते होते उत्तराखंड में बिजली के दर बढ़ गए और देश में चुनाव खत्म होते ही दूध के दाम बढ़ गए, तो ऐसे में क्या आपकी सरकार बनती है, ये संभव हो पाता है? इन महंगाई पर आप लोग कितना कंट्रोल कर पाएंगे, और क्या बढ़ी हुई दरों को आप जैसे कह रहे हैं कि हम अग्निवीर को फाड़ के फेंक देंगे, बहुत सारे जो मोदी जी के योजनाएं थे उनको हम दोबारा चेंज करेंगे, कुछ हटा देंगे, ऐसा कह रहे हैं, क्या महंगाई को भी कम करेंगे? सबसे पहले अग्निवीर योजना को हम कचरे के डब्बे में डालेंगे जी, जिसने हमारे युवाओं का मनोबल तोड़ा है। युवा किसी भी देश का भविष्य होते हैं जी, और एक उदासीन युवा से आप एक देश का विकास संभव नहीं सोच सकते जी। जब युवा ही शुद्ध रहेगा, डिप्रेसिव रहेगा, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि हम एक विकासशील या विकसित देश बनाएंगे जी। तो हमें पहले तो उनका कॉन्फिडेंस वापस लौटाना है उनको जी। और देखिए, कांग्रेस ने देश को 70 साल चलाया बबौल इनके जी। हमारे हिसाब से तो 56-57 साल है, पर ये बार बार 70 साल कहते हैं, तो अगर 70 साल ही मैं भी इनको कोट करूं, तो हमने देश को चलाया है 70 साल और हमको पता है कैसे सरकारें चलती हैं। हाँ, मोदी और उनकी टीम बार बार ये कहते थे कि विपक्ष मजबूत नहीं है, तो इस बार शायद हो सकता है भगवान इनके मुंह पे सरस्वती बैठी हो और देश को एक मजबूत विपक्ष भाजपा के रूप में मिले जी। बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा जी, आपने कीमती समय दिया और अहम जानकारी दी। अगर आपकी सरकार बनती है तो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, अभी बहुत जरूरत थी। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।